ये देखिए किस तरह से खिड़की के बाहर बैठकर ये छिपकलियाँ ज़िंदगी का मज़ा ले रही हैं, और इनको जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत खिड़की खुलते ही अंदर घुस जाएंगी। खा पीकर मोटी हो रही हैं ये तो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं वो लिजर्ड के बारे में पूछे गए हैं, यानी छिपकली के बारे में, कि हम घर के अंदर छिपकली को आने से कैसे रोकें, या छिपकली का हम ट्रीटमेंट कैसे करें, कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेरे से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपने घर में छिपकली को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आपको अपने घर में आने से उन्हें रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें। एक क्वेश्चन और है दोस्तों आप लोगों का, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कि ये जो मैं केमिकल बताता हूँ आपको, यानी जो पेस्टिसाइड मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ, वो कहाँ मिलेंगे? दोस्तों देखिए, ये पेस्टिसाइड आपको पेस्टिसाइड की शॉप में मिलेंगे, या मैं सभी पेस्टिसाइड के लिंक अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूँ, जहाँ पे जाकर आप ऑनलाइन अमेजोन से इन्हें परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिजर्ड एक ऐसा पेस्ट है जो कि कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी सर्दियों के टाइम में ये ज़मीन के नीचे चले जाते हैं या पत्तियों के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठंडा पानी, ठंड, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, इसी वजह से ये नीचे चले जाते हैं। और जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं, यानी मार्च के महीने में, ये फिर ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और अपनी ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने घर के अंदर खासकर गर्मियों के टाइम में नज़र आते हैं। और जैसे ही अक्टूबर शुरू होता है, अक्टूबर का मंथ, ठंड होना शुरू होती है, ये अपना फिर दोबारा से पत्तियों के नीचे या ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और फिर 4-5 महीने अपने वहीं बिताते हैं। इसी वजह से सर्दियों के टाइम में आपको कहीं पर भी लिजर्ड नज़र नहीं आएगी। जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे जाता है, उसके बाद ये आपको दिखना बंद हो जाते हैं। तो इनको, सिंपल सी बात है कि इनको ठंडे पानी से, ठंड से इनको डर लगता है, जिससे कि इनकी बॉडी सुन्न हो। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आप लिजर्ड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर के अंदर ना आए। दोस्तों, लिजर्ड को कंट्रोल करने के मैं यहाँ पर दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तरीका तो यो है जिसके अंदर हम पेस्टिसाइड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी तरह का केमिकल का कोई यूज़ नहीं करेंगे, और आपके घर के अंदर कोई भी लिजर्ड नज़र नहीं आएगी। एक तरीका तो यो है। और दूसरा तरीका है दोस्तों, केमिकल के थ्रू, कि हम पेस्टिसाइड के थ्रू हम किस तरह से लिजर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो तरीके बताने वाला हूँ, जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे वो तरीका आप अपने घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, लिजर्ड जो होती है घर के अंदर पैदा नहीं होती है, वो घर के बाहर से ही आती है। तो अगर आप चाहते हैं लिजर्ड को कंट्रोल करना, तो जो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपके घर के दरवाजे हैं उनको हमेशा बंद रखें। अब बात आती है, अगर आप लिजर्ड के लिए दरवाजे बंद करेंगे तो भाई घर के अंदर वेंटिलेशन कैसे होगा? तो उसके लिए दोस्तों, आप जाली लगाएं अपनी खिड़कियों ऊपर या अपने दरवाजों के ऊपर जालियां लगाएं। एक तो आपको ये करना है। दूसरा दोस्तों, जो आपके डोर्स होते हैं उसके नीचे काफ़ी गैप होता है, जिसके नीचे से लिजर्ड आराम से आपके घर के अंदर एंटर कर जाती है। दोस्तों, उसके लिए आप अपने डोर्स के नीचे जो गैप होता है उसको कवर करने के लिए, आप मार्केट में आपको डोर बॉटम सीलिंग स्ट्रिप मिल जाएंगी, आप ये ले सकते हैं और इसको आप डोर के नीचे लगा सकते हैं। ये दो तरह की आती हैं, एक तो आती हैं स्क्रू वाली, जिससे आप स्क्रू से इसको कस सकते हैं, और दूसरी आती है चिपकाने वाली। आपको जो पसंद हो वो लाके अपने दरवाजों के नीचे लगा दें, जिससे कि बाहर से कोई भी लिजर्ड आपके घर के अंदर एंटर ना करे। इससे दूसरा फायदा क्या होगा, मच्छर मक्खी भी एंटर नहीं करेंगे, कोई कॉकरोच भी एंटर नहीं कर पाएगा, और साथ ही खिड़कियों के ऊपर भी इसको आप लगा दें। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, अगर आप चाहते हैं अपने घर के अंदर लिजर्ड को कंट्रोल करना। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों, जो घर के अंदर लिजर्ड घुस चुकी हैं, एंटर कर चुकी हैं, उनको आप कैसे कंट्रोल करें? उसका ही बहुत आसान तरीका है दोस्तों। मार्केट में आपको इस तरह के ट्रबल गम बोलते हैं इनको, ये मिल जाएंगे, इनको ग्लू पैड भी बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ग्लू लगा होता है। अब इनके थ्रू आप इनको, लिजर्ड को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है कि जिन जगहों पर आपको लिजर्ड नज़र आती है अपने घर के अंदर, उन जगहों पर इसको आप खोलेंगे। खोलने के बाद थोड़ा सा आप इसको आइडेंटिफाई कर लें किन जगहों पर लिजर्ड ज़्यादा नज़र आती है, उन जगहों पर आप इसको रख देंगे। ये देखिए, ये ट्रबल गम है, लीजर इनसे अट्रैक्ट होती है, जो ब्लैक आप देख रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, ट्यूबलाइट के आसपास या घर पे जहां पे आपको लीजर ज्यादा नजर आती है, उन जगहों पर आप इसको रख देंगे। लीजर इससे अट्रैक्ट होगी और आने के बाद इस पे हमला करेगी और आके यहाँ पे चिपक जाएगी और फिर छूट नहीं पाएगी। आप उठाएंगे इसको, उठा के डिस्पोज कर सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा दोस्तों, कि हो सकता है 2-3 दिन आपको लगे,
दो तीन दिन में पकड़ी जा सकती है लिजर्ड, हो सकता है सेम डे भी पकड़ी जाए और हो सकता है दो तीन दिन भी लगे। और अगर आप बहुत जल्दी चाहते हैं फटाफट ख़त्म हो जाए तो उसका तरीका दोस्तों यह है कि जो लिजर्ड होती है ठंडे पानी से सुन पड़ जाती है, तो आपको एक स्प्रे बोतल के अंदर बिल्कुल चिल ठंडा पानी भरना है। भरने के बाद आप उसका स्प्रे लिजर्ड के ऊपर करेंगे और जैसे ही लिजर्ड पे उसका स्प्रे करेंगे ऑन द स्पॉट लिजर्ड नीचे आके गिर जाएगी और दो तीन मिनटों को बेहोशी की हालत में रहेगी। ऐसे में आप उसको इस तरह से उस पर डाल देंगे, इसको वो इस पर चिपक जाएगी, इसको बंद करेंगे और उठा के इसको आप बाहर डिस्पोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वो दो तरीके हैं जिससे कि आप अपने घर में आसानी से लिजर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं और परमानेंट सॉल्यूशन आपको लिजर्ड से मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही आपको एक बात का ध्यान और रखना है, जो आपका घर की दीवारें हैं या बालकोनी है उससे सटाकर कोई भी पेड़ पौधों के गमले, ईंटें या कोई दूसरा सामान या जैसे गैस सिलेंडर वगैरह ना रखें। होता क्या है दोस्तों कि छिपकलियाँ दिन के टाइम में इन जगहों पर जाकर छुप जाती हैं और जैसे ही शाम होती है वो आपके डोर के आसपास आ जाती हैं और जैसे ही दरवाज़ा आप खोलते हैं वो तुरंत अंदर आ जाती हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी सामान आपकी बालकोनी के अंदर या आपकी दीवारों के साथ रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको पेड़ पौधों से ज़्यादा प्यार है, लगाव है, तो फिर आपको पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि छिपकली उन जगहों पर ना हो। तो दोस्तों ये तो है बिल्कुल सिंपल तरीका जिसका यूज़ करके आप इजीली अपने घर के अंदर लिजर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके घर के अंदर एक भी लिजर्ड नज़र नहीं आएगी। इसमें आप किसी भी तरह का पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं। अब दूसरा तरीका आता है, पेस्टिसाइड का यूज़ करके आप कैसे लिजर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा पेस्टिसाइड बताने वाला हूँ जिसका अगर आप इस्तेमाल अपने घर के अंदर और घर के बाहर करते हैं लिजर्ड से तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मच्छर मक्खी से भी छुटकारा मिलेगा। इस पेस्टिसाइड का नाम है डाइसेक्ट्स। इसके अंदर बाइफेंथ्रीन होता है 10% WP। बाइफेंथ्रीन बेसिकली टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, रिपेलेंट पेस्टिसाइड है, लेकिन इस पेस्टिसाइड को मच्छर मक्खी के लिए भी यूज़ किया जाता है और साथ में लिजर्ड को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये WP फॉर्म में होता है। ये अलग अलग फॉर्म होती हैं पेस्टिसाइड की, वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, जैसे EC फॉर्मुलेशन, WP, इसके अलावा SC फॉर्मुलेशन, बहुत सारी फॉर्मुलेशन में पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं, वो अलग अलग इंसेक्ट को टारगेट करने के लिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको यूज़ कैसे करना है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई पेस्टिसाइड मैंने इस पंप के अंदर बना दिया है और डाइसेक्ट जो है WP फॉर्म में होता है, इसलिए अच्छे से मिक्स करना पानी के अंदर तभी इसको यूज़ करना है। और आप चाहें तो छोटे वाले पंप भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये कमर्शियल पंप था इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो पेस्टिसाइड है ये लिजर्ड की स्किन पे लग के उसको इरिटेट करता है जिसकी वजह से लिजर्ड आपके घर के आसपास नहीं आएगी। ठीक है, तो कैसे इसको यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और साथ ही ये मच्छर मक्खी को भी रोकता है, क्योंकि रीज़न क्या है, जो लिजर्ड होती है वो मच्छर मक्खी खाती है। जब आपके घर के आसपास मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे तो लिजर्ड भी नहीं आएगी। तो ये दो तीन तरीके हैं जिसकी वजह से ये पेस्टिसाइड की सलाह मैं आपको दे रहा हूँ। अब यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह 1.5-2 फीट से आपको स्प्रे करना है दीवारों के ऊपर, खिड़की दरवाज़ों के ऊपर और पेड़ पौधों के चारों तरफ, गमलों के चारों तरफ, और ऐसे ही घर के अंदर की दीवारों पर, घर के कोनों में, बेड और सोफे के पीछे की दीवारों पर और फ्लोर के नीचे के एरिया पे आपको स्प्रे कर देना है। इससे आपको मच्छर मक्खी से भी फ़ायदा पहुँचेगा, घर के अंदर मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। ये पेस्टिसाइड घर के बाहर 1 महीने आराम से काम करता है और घर के अंदर 45 दिन से लेकर के 60 डेज तक आपको इसका असर नजर आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर के अंदर और घर के बाहर की दीवारों पर आप स्प्रे कर देंगे इस पेस्टिसाइड का। जैसा कि मैंने बताया, दो फायदे होंगे कि जो लिजर्ड है उसकी स्किन को भी इरिटेट करता है जिसकी वजह से लिजर्ड नहीं आती है, और जो लिजर्ड आएंगी तो वहाँ उनको मच्छर मक्खी नहीं मिलेंगी तो भी वो घर के आसपास आने की कोशिश नहीं करेंगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं और लिजर्ड से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है लिजर्ड को कंट्रोल करने का। यहाँ पर मैं आपको एक पेस्टिसाइड और बता देता हूँ जिसका अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो उससे लिजर्ड मर भी जाएगी, लेकिन इस पेस्टिसाइड को ध्यान रखें घर के अंदर यूज़ ना करें क्योंकि वहाँ फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उनके हेल्थ को नुकसान पहुँच सकता है। आप इसको ऐसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं जैसे वेयर हाउस हो गया या ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जाना नहीं होता, या पेड़ पौधों के आसपास यूज़ कर सकते हैं ऑन द स्पॉट लिजर्ड को मारने के लिए। छिपकली को ऑन द स्पॉट अगर मारना चाहते हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी 24 घंटे से 48 घंटे का टाइम लिजर्ड ले लेती है, डिपेंड करता है उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए आपको क्या करना है,
उसके लिए आपको क्लोरोपाइरीपोस 20% जो कि मार्केट में आपको लीथल के नाम से, एल्ड्रिन के नाम से आसानी से मिल जाती है, एक तो ये पेस्टिसाइड लेना है। दूसरा पेस्टिसाइड है प्रोपोक्सर, जो मार्केट में आपको ट्रांसपोर्टेक्स के नाम से मिल जाएगा। ये दो पेस्टिसाइड आपको खरीद के लाने हैं। अब करना क्या है, 250 ml आपको क्लोरोपाइरीपोस और 125 ml यानी 125 ml प्रोपोक्सर को आपस में मिक्स करेंगे और 5 लीटर पानी के अंदर इसको मिक्स करके अपने पंप के अंदर डालकर अगर छिपकली के ऊपर इसका डायरेक्ट स्प्रे करेंगे तो छिपकली आराम से 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर मर जाएगी। तो अगर आप छिपकली को मारना चाहते हैं तो इस तरीके से मार सकते हैं, लेकिन इस पेस्टिसाइड का यूज़ करने से पहले मास्क प्रॉपर पहने, ग्लव्स पहने, गॉगल्स लगाएं, क्योंकि ये बहुत डेंजर कॉम्बिनेशन है इनका। और सलाह मेरी यही है कि घर के अंदर बिल्कुल भी ना यूज़ करें, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीके हैं कुछ जिसका यूज़ करके आप लिजर्ड यानी छिपकली से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो छिपकली का ट्रीटमेंट कर सकें। और अगर कोई भी पेस्टिसाइड आपको बाई करना है तो वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया है, और सभी वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिलेंगे मेरे, आप इजिली अमेजोन से जाके इन पेस्टिसाइड को खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।